विद्यालय कक्षा सातवीं में पढ़ती हूँ, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं संतोषी लाल इनका टीचर हूँ और ये बहुत अच्छी कन्या है। देखिए आपकी सामने ये कविता के भाव देखिए किस तरह से व्यक्त कर रही है। हाँ शिशाता मेरी माँ तू कितनी अच्छी है, ऐसा मैंने ऐसा सारी दुनिया कहती है। तू कितनी अच्छी है, ऐसा मैंने ऐसा सारी दुनिया कहती है। तेरे आंचल में हमेशा रहना चाहती हूँ, तेरे दुपट्टे में लिपट कर छुपना चाहती हूँ। तेरे आंचल में हमेशा रहना चाहती हूँ, तेरे दुपट्टे में लिपट कर छुपना चाहती हूँ। तेरे तू मेरे बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है, तू मेरे बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है। तेरे ममता को देखते ही पत्थर भी पिघल जाता है, तेरे ममता को देखते ही पत्थर भी पिघल जाता है। ममता भरे दिल से पत्थर दिल को भी पिघला देने वाली ऐसी कौन हो सकती है। ममता भरे दिल से पत्थर दिल को भी पिघला देने वाली ऐसी कौन हो सकती है। ऐसी हो सकती एक माँ, एक माँ और एक माँ, एक माँ और एक माँ। जीवन में ये जो तान्या विश्वकर्मा है, इन्होंने अपनी माँ अपने जीवन के संबंध में माँ का महत्व दर्शाया। वास्तव में माँ स्वर्ग से भी बढ़कर माँ का दर्जा होता है, इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये तान्या विश्वकर्मा का जीवन सुखमय और खुशियों से भरा रहे, इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर संतोष लाल कुमार इनके साथ धन्यवाद।